वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सवाल भारत का। तो महाबलीपुरम में मोदी जी की मुलाकात का जो अनौपचारिक मुलाकात है, उसका एजेंडा क्या हो सकता है, इस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आखिरी सेगमेंट है, मैं क्लोजिंग कमेंट्स से शुरुआत करूंगी। मैं अवधेश जी आपसे शुरुआत करती हूँ। एजेंडा क्लियर नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो अनौपचारिक मुलाकात होती है वो एजेंडा रहित होती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि चीन के शी जिनपिंग हैं, दो रोज यहाँ रहेंगे, तो कुछ ना कुछ उम्मीदें तो होंगी। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ? नहीं, मुझे लगता है कि जो पहले राउंड में बैठेंगे ना ये दोनों, उसी के बातचीत से अगले पांच दौर का एजेंडा भी तय हो जाएगा। उसमें फर्स्ट राउंड में जैसे ही बात करेंगे, वो आके खुल के बातचीत होगी, कोई बंधे हुए नियमों में नहीं होगी। इसलिए पहली बात तो मेरा मानना है कि वही होना है। लेकिन ये इस बात को सी जिनपिंग का अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आना, जिसमें उनके पोलिट ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके विदेश मंत्री हैं, इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत को लेकर काफी कुछ विचार किया है कि हमको संबंधों को हर हाल में जितना भी नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। लेकिन अब वो नॉर्मल करने की कोशिश में किस सीमा तक जाएंगे, ये भी हम लोग समझते हैं, क्योंकि चीन जो है अपने पद से बाएं दाएं जल्दी डिगता नहीं है किसी हालत में, दिखता ही नहीं। तो लेकिन उसको भी जो पाला पड़ा है, ये उस भारत से पाला नहीं पड़ा है कि आपके बिना डिगे हुए हम अपनी ओर से कुछ करेंगे। इसलिए भारत भी अब डिगने वाला नहीं है, बात है बहुत साफ, बल्कि खड़ी खड़ी बात करने वाला भारत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वुहान से जो है ज्यादा ये इस बार की जो बातचीत खुली होगी, ज्यादा इसमें मतलब जिसको कहते हैं कॉलिंग स्पेड ज्यादा होगी, कुछ आईना भी चीन को दिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये सब चीजें नहीं होने से हमारे संबंध, चलो हम न बोले जरूर, संबंध नहीं रहेगा। कैसे दिखाइएगा आईना दिखाया जाएगा कि हमने अभी तक दलाई लामा को यहाँ रखा है, लेकिन आपके खिलाफ विद्रोह की अनुमति यहाँ नहीं दी है। हम चाहते तो हम विद्रोह की अनुमति दे सकते थे, उनको जगह बना सकते थे, हमारे पास क्षमता है। दूसरा, उनको बनाया जाएगा कि आपने भी हमारा भाग लिया हुआ है, हम हमारे देश की चाहत है, हम किसी भी दिन हम हारे जीते लेकिन हम आपसे कर सकते थे, हमने ये सब नहीं किया है अभी तक। तो ये चीजें बदलने वाली है। अब इंडो पैसिफिक में हमारी भूमिका बढ़ रही है, आप कभी श्रीलंका में घुस जाते हैं, कभी बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे वहां क्या इंटरेस्ट है, हम वहां क्यों जाते हैं। आप मालदीप तक घुस के चले आते हैं और मालदीप को आप कर्जदार बना देते हैं और बाद में हमको, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उनको आईना दिखाया जाएगा कि आप आतंकवाद पर साथ देने को कहते हैं और मसूद अजहर के पक्ष में आप चले जाते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान को क्यों नहीं बोलते हैं कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसी बहुत सारी चीजें जो उनको आईना दिखाया जाएगा। शिवम त्यागी, गवर्नमेंट सर्कल्स में किस तरह की चर्चा है? देखिए, अभी तक इस देश में जितने भी दशकों में, करीब 7 दशकों में जो लिटरेचर पढ़ाया गया है अमेरिका और चाइना को लेकर, वो ये पढ़ाया गया है कि बहुत ही मजबूत मुल्क हैं, वो है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इकोनॉमी पे जिस तरह से सैचुरेशन पॉइंट पर वो हैं, उनकी मजबूरियां हैं, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड में उनको थोड़ा बेहतर होना ही पड़ेगा, बाकी सारी चीजें अवधेश कुमार जी ने कही। और एक और चीज, जिस एक्सट्रीमिज्म को लेकर हम लगातार बात करते रहे और अमेरिका उसका विरोध करता रहा है, एग्जैक्टली वही काम वो शिनजियांग में खुद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में भी टेररिज्म को लेके एक जनरल कंसेंसस तो बिल्ड हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा लीड रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो हिंदुस्तान ने किया है, और 2014 से बाद की वाली सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है वहां पर भी उनका रुख थोड़ा सा मजबूत होने की जरूरत है। और ट्रेड, जो फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंट्री की हालत पहले थी तो वो आज नहीं है, कहीं ना कहीं चाइना को ये चीज रियलाइज हुई है, थोड़े अपने स्टैंड्स जो हैं उसने सॉफ्ट किए हैं, और भारत सरकार का पहली प्रायोरिटी सिर्फ यही होगी कि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, ट्रेड को और मजबूत किया जाए, और सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव ना रहे, और पीओके को लेकर जो भारत की सरकार का स्टैंड है उसको और मजबूती मिले। सॉफ्ट होने से आपके मायने ये कि जो हमने धारा 370 पे फैसला लिया उस पर चुप्पी साधे रहा, उस पर चुप्पी साधे रहा अजहर मसूद को लेकर, कहीं ना कहीं वो बैकफुट कर गए। इसके अलावा जितना पाकिस्तान को लेकर भारत ने जिस तरह से इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर जगह जवाब दिया है, चाइना का कहीं भी बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है। उल्टा अगर देखें 2014 से पहले तो जब भी कभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में बात की है तो वो इंटरनेशनली एकदम ओपनली चाइना जो है सपोर्ट करता था, लेकिन दे आर शाइंग अवे समहाउ कि अब ठीक है, जितना वो कर सकते थे कर दिया, लेकिन अब हिंदुस्तान में वो सरकार नहीं है कि जो चुप होकर बैठ जाएगी। ठीक है, जनरल चतुर्वेदी, क्या होना चाहिए हमारा एजेंडा इनफॉर्मल, और क्या आपकी उम्मीदें हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टॉक्स से, इस बातचीत से, इस मुलाकात से? जी 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 जी, देखिए
पहला आपने सवाल पूछा कि क्या एजेंडा हो सकता है, तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बाकी जो आईना दिखाने में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, अवधेश जी ने जो पॉइंट बताए वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वो भी उतने उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आज का हिंदुस्तान चुप रहने वाला नहीं। अगर वो हमसे बात करेंगे कश्मीर के बारे में तो वो जो अपना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं वो भी पॉइंट किया जाएगा। नंबर एक, नंबर टू जो हमारे वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में घुसने की वो कोशिश करते हैं जैसे कि मालदीव्स में, नेपाल में, तो हमने अभी जो मंगोलिया के साथ किया है या हमने जो ये व्लादिवोस्तोक और चेन्नई रूट बनाया है, तो ये चीजें हम उनको बता रहे हैं कि हम भी आपके यहाँ आपको परेशान किया जा सकता आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि घूम फिर करके बातें जब रुकेंगी तो रुकेंगी सिर्फ ट्रेड पे और बॉर्डर पे जो स्टेटस को मेंटेन रहेगा उसके ऊपर कहा जाएगा कि लेट नेक्स्ट जनरेशन टॉक अबाउट इट, मोर इम्पोर्टेंट इज कि लेट्स इम्प्रूव द ट्रेड रिलेशंस, एंड इसमें ईरान अफगानिस्तान बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी डिस्कस्ड डेफिनेटली, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, एंड इट इज इन अवर इंटरेस्ट कि ज्वाइंट वेंचर्स इन अफगानिस्तान एंड हाउ टू ओवरकम जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगा रखा है। इसमें आप अगर आज ध्यान देखिए जो इंडिया ने आज बोला है टर्की के बारे में, इट्स ए इंडिकेटर टू चाइना, जो हम लोगों ने उनको मंगोलिया को सपोर्ट दिया इट्स ए इंडिकेटर टू चाइना। दूसरा जो कोहासा शिवपुर में हम लोगों ने एक नेवल एयर स्टेशन बनाया है अंडमान में, या कैंबल बे में जो हमने एक बाज बनाया है, ये चीजें इंडिकेशन है। सबांग में हमारा अफगानिस्तान ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है कि जो मलाका स्ट्रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब उनकी वल्नरेबिलिटीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। जिबूती में अगर उन्होंने ट्रेड बनाया तो उसके साथ साथ हमारा भी ट्रेड वक्त खत्म हो चुका है। 10 सेकंड्स हैं मानन द्विवेदी, क्लोजिंग चीजें। हाँ जी, मैं कंक्लूड करने के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि चीन जो है इस समय जिंगजियांग के मुद्दे पर और साउथ चाइना सी का जो मुद्दा हुआ था जिसमें उन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर किया था चीन ने, ये अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है बल्कि ये भारत के लिए भी थ्रेट है और एशियन कंट्रीज के लिए भी थ्रेट है कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन को नहीं मानते हैं। और हांगकॉन्ग में जो हो रहा है वहाँ पे निहत्थे स्टूडेंट्स को जो तिनामेन स्क्वायर में 1999 में जो घटना हुई वो उसको रिपीट करने की पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हांगकॉन्ग में प्रेशर में है डेमोक्रेसी को लेकर, जिंगजियांग में है, और सबसे बड़ा फ्लाउटर जो है इंटरनेशनल लॉ का वो है चाइना, वो है पीआरसी। तो मैं फिर ये बात अपनी रिपीट करना चाहूँगा कि हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इनको टैकल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो गुडी गुडी बातचीत होगी ट्रेड पे वो गुडी गुडी बातचीत यहाँ पे चले, और हमको अपनी डबल ट्रैक डिप्लोमेसी पे, डबल ट्रैक कूटनीति पे चलना पड़ेगा। हाँ। और ग्लोबली हमको जो मोबिलाइजेशन सरकार ने किया है चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, वो मोबिलाइजेशन ग्लोबली हमको जारी रखना पड़ेगा, मेरा ऐसा विचार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी, अवधेश कुमार, मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी, मनन द्विवेदी, आपकी यानी हमारे व्यूअर्स की क्या राय है हमारे आज के सवाल पर, जरूर ट्वीट कीजिए @जनतंत्र टीवी @शीतल राजपूत N पर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।